झाझा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि धमना पंचायत के गोविंदपुर निवासी अपहरित युवक सिंटू कुमार का पुलिस ने शव बरामद किया है। दरअसल बीते 20 दिसंबर से युवक के लापता होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुई SP के द्वारा गठित टीम के द्वारा लगातार छापेमारी करते हुए SDPO राजेश कुमार के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष राजेश्वरन एंड टीम ने अपहरणकर्ता प्रमोद यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं फिरौती की रकम मांगने में उपयोग में लाए जाने वाले फोन और सिम कार्ड को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। वहीं अपहरित युवक की बरामदगी को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन की जा रही थी। इधर बीती देर रात्रि पुलिस ने धोबिया टीका गांव के बहियार में अवस्थित कुएं से अपहरित युवक सिंटू कुमार का शव बरामद किया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में मृतक के परिजनों की ओर से 5 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। हालांकि अब तक इस मामले में एक अपराधकर्मी प्रमोद यादव, जिसने फिरौती की मांग की थी, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस घटना में अन्य अपराधकर्मी के शामिल होने की बात बताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार छापेमारी भी जारी है। बताया जा रहा है कि अपहरण के कुछ घंटों बाद ही, यानी कि 20 दिसंबर को अपहरण के बाद महज कुछ ही घंटों के बाद ही सिंटू की हत्या कर दी गई और उसके सब को छुपा कर रखा गया था। हालांकि पुलिस ने सफलतापूर्वक इस मामले में फिरौती मांगने वाले को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। वहीं अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी। इधर प्रशासन ने देर रात शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिशन न्यूज, जमुई। क्या घटना हुई? घटना हुआ 20 तारीख को शाम को, मतलब 4-5 बजे घटना हुआ था। क्या घटना हुई? तो इसको फोन से बुला लिया, चला गया। उसके बाद हम 21 तारीख को आवेदन दिए थे थाने में। 21 तारीख के बाद लिया आवेदन लिया, फिर 22 तारीख को जांच पड़ताल करने लगा। शाम को दिया आवेदन, 22 तारीख की जांच पड़ताल किया। तो जांच पड़ताल में जो सो 12 लाख रुपया मांग किया था, हम बड़ा बाबू फोन किए कि ऐसे ऐसे बात है कि 12 लाख रुपया मांग कर रहा। बोला फोन रिकॉर्डिंग किया, हम बोले रिकॉर्डिंग नहीं किया। उसके बाद फिर बड़े बाबू साथ हम थे, फिर फोन किया 3 बजे की 4 बजे लगभग में, फिर फोन किया, फिर उठाया फोन, बोला अरे पेमेंट नहीं किया 12 लाख, तुम्हारा भाई को खत्म कर देंगे, तुम्हारा भाई खत्म कर देंगे। हम बोले ठीक है, कुछ 1 लाख रुपया ले लीजिए, गरीब आदमी है, छोड़ दिए मेरा भाई को। इतना बात था, प्रशासन भी दौड़ रहा था सगरे, कहीं पता नहीं चला, आज देखो पता चल गया। क्या नाम था? मेरा नाम, उसका नाम सिंटू यादव है। अच्छा। मेरा नाम मुकेश यादव है। क्या, कौन है वो? छोटा भाई है। छोटा नहीं, कहिला भाई। कहिला भाई है। कहाँ घर? वो गोविंदपुर थाना झाझा जिला जमुई।